जीत रंगुल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दिवाली स्पेशल और एक सुंदर सा बड़ा सा मल्टी कलर रंगोली बनाना सीखेंगे। तो जो पहला सर्कल है ये 24 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक सर्कल बनाएं। दूसरा सर्कल के बीच में जो गैप है वो 6 सेंटीमीटर है और जो लास्ट सर्कल है वो 20 सेंटीमीटर है। पहले फेविकॉल बॉटल में थोड़ा सा व्हाइट कलर भर के थोड़ा आउटलाइन बना लेंगे सर्कल का। इससे क्या होगा, जो हम कलर भरते हैं ना, कलर भरने के बाद ये लाइन दबता नहीं है। और यदि हम जो ड्रॉ किए हमने वैक्स कलर से या क्रेन कलर से, इसके ऊपर यदि कलर हम फिल किए तो वो दब जाता है, फिर हमें आउटलाइन बनाने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन यदि व्हाइट कलर से यदि कोई व्हाइट रंगोली से यदि आउटलाइन बना लेते तो वो दिखता है बाद में, उसके ऊपर वर्क करना ज़्यादा आसान होता है। तो ठीक है, तो सेंटर में एक हाथ में दिया लिए हुए दिखाना है और बैकग्राउंड में एक साइड में वॉयलेट कलर एक साइड में ब्लू कलर दोनों को जो प्लास्टिक वाला चाय छन्नी है उसमें मिलाना है 50-50% में और दोनों को ब्लेंड करना है। ठीक है, इसके बाद जो दिए के लो है यहाँ पर और येल्लो कलर दिखाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है तो ये पर लाइट आना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर और उसके अंदर रेड कलर। ठीक है, तो दिए के जो अंदर के भाग है यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर देंगे, उनमें थोड़ा सा ब्लैक मिला के थोड़ा शेड देंगे और जो दी है दिए में ब्लू यानी स्काई ब्लू देंगे। इसमें भी थोड़ा शेड दे सकते हैं ब्लू में, ज़्यादा प्लेन ना लगे करके, यानी डार्क ग्रीन डार्क ब्लू और जो स्काई ब्लू इनको मिला के थोड़ा शेड देना है, आउटलाइन करना है, कुछ डॉट डाल के इस पर डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन के अंदर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अलग कलर और दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, हाथ में कलर भरने के लिए सबसे पहले जो येलो कलर के रंगोली, येलो कलर के रंगोली भरना है। उसके बाद हमारे पास जो लाइट ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर को मिला के लाइट ऑरेंज कलर और येलो को मिला के भरना है। उसके बाद नीचे डार्क ऑरेंज कलर भरना है और डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज को मिला के फिर से इनको ब्लेंड कर देना है। उंगली में थोड़ा सा रेड कलर का मेहंदी के शेप दे, मेहंदी के डिज़ाइन दे देंगे रेड कलर का, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है हाथ में जो रेड कलर का रहता है उंगली में। ठीक है, इनको आउटलाइन कर लेंगे फेविकॉल बॉटल में, व्हाइट रंगोली छान के भरना है और इस प्रकार का आउटलाइन करेंगे तो जो डार्क बैकग्राउंड है डार्क बैकग्राउंड में ये जो आउटलाइन है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप जो हाथ में चूड़ी है इसमें आप कुंदन के वर्क कर सकते हैं, ये मार्केट में आजकल अवेलेबल है हर जगह पे, तो आप ये कुछ खरीद लोगे तो इस दिवाली में सारे डिज़ाइन में ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिवाली है तो लक्ष्मी माता के पैर बनाएंगे क्योंकि खाली जगह यहाँ पर, तो एक साइड में लक्ष्मी पैर बनाएंगे और एक साइड में गणपति बनाएंगे। गणपति जी का एक शेप बनाना है डॉट देके, काफ़ी आसान होता है ये चम्मच के साथ में बनाना। एक मूसक भी बनाएंगे और एक रेड कलर का एक तिलक दे देंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्मी माता और गणपति जी बन गए दिए के बीच में, सेंटर में हाथ बनाएं और नीचे और भी जगह, तो आप यहाँ पर कुछ फूल भी बना सकते हैं या आप लिखना चाहते हो तो हैप्पी दिवाली लिख सकते हो क्योंकि काफ़ी जगह है नीचे। ठीक है, जो साइड में जो फेविकॉल बॉटल है उससे डॉट दिए, यानी फेविकॉल बॉटल के जो कैप है इसको थोड़ा सा काट लेना है तभी थोड़ा सा बड़ा डॉट बनेगा। और इससे भी यदि बड़ा डॉट बनाना है तो आप फनेल यूज़ कीजिए या जो सिलाई मशीन में तेल यूज़ करते हैं वो जो डब्बा आता है प्लास्टिक, उसको काट के भी फनेल बना सकते हैं आप। ठीक है, जो इसके साइड में जो हमें एक्सटेंड करना है रंगोली को, जब एक्सटेंड करना हो तो आप मल्टी कलर भर दीजिए, तो मल्टी कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है कोई डिज़ाइन या संस्कार भारती डिज़ाइन, तो मैं ज़्यादा यही यूज़ करता थी। कोई सेंटर में कुछ हम क्रिएटिव बनाएं और साइड में हम एक्सटेंड करना है रंगोली को तो आप मल्टी कलर भर दीजिए और उसके ऊपर संस्कार भारती की कुछ शेप दे दीजिए तो वो काफ़ी अच्छा लगता है,
बड़ा भी दिखता है, कलरफुल भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार जो स्पाइरल डिज़ाइन है और इसके बीच में गोपद्म है, जैसे यहाँ पर गोपद्म बनाए और ऊपर कुछ डिज़ाइन दिए लाइनिंग के, तो मतलब सभी जगह एक डिज़ाइन ना होते हुए चार अलग अलग और चार अलग अलग, ऐसा आठ डिज़ाइन हो जाता है यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जो बीच में खाली जगह है तो आप दिवाली में इस खाली जगह के अंदर दिए रख सकते हैं, तो जो कलरफुल जो बैकग्राउंड है उसमें दिए रखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है रात को। इसको और भी बड़ा बनाना है तो आप एक तो एक संस्कार भारती के गोबद में बना सकते हैं, या दूसरे डिज़ाइन में दे सकते हैं, या कोई फूल के पेटल बना सकते हैं। या फिर जैसे मैंने ऑरेंज ऑरेंज कलर का शेड दिया, ऑरेंज लाइट ऑरेंज और येल्लो का, आप यहाँ पर चाहे तो आप रेड और पिंक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। पिंक कलर का भी जो पेटल है वो काफ़ी अच्छा लगता है, पर ये जो ऑरेंज कलर दी इसका ऊपर यदि आप दिए रखते हो रात को शाम के समय, तो ये जो कलर है येलो कलर, ये ज़्यादा ब्राइट दिखता है और वो ज़्यादा रात को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कलर भी दे सकते हैं, या आप पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा पैक कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा खाली लग रहा था, तो ये पैक जगह में आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डार्क ऑरेंज के साथ मैच करने के लिए मैंने रेड यूज़ किया, आप यहाँ पर ग्रीन भी यूज़ करोगे तो भी यहाँ पर अच्छा लगेगा। ठीक है, और उसके अंदर भी ग्रीन डॉट दे दिए कुछ, ताकि ग्रीन का भी टच आ गया, तो ये बन गया एक सुंदर सा बड़ा सा मल्टी कलर क्रिएटिव दिवाली स्पेशल रंगोली। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाए लाइक कर दीजिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जीवन में इस दिवाली ढेरों सारे खुशियाँ लाए। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।